नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब इस समय है लंदन में। वो वहां क्या कर रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। वैसे खबरों के अनुसार पूरा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है। पूरा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है लंदन में, क्या कर रहे हैं वहां, शहबाज शरीफ से बात करने गए हैं, सॉरी अपने अपने भाई नवाज शरीफ से बात करने गए हैं। किस इशू पर बात करने गए हैं? नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी, इतना बड़ा इशू क्यों है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? अब तक एक नया आर्मी चीफ क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? 6 महीने पहले होना चाहिए, अभी 2 ही महीने बाकी हैं। नवंबर में रिटायरमेंट है बाजवा साहब का। 2 महीने पहले भी नया आर्मी चीफ हाथ में नहीं है। खबरें ऐसी भी हैं कि इन्हीं को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मैं हमेशा से ये बोलता आया कि इन्हीं को एक्सटेंशन देने की तैयारी पूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनुराधा तलवार, एक्सपर्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और ये पीएचडी कर चुकी हैं अपनी इंटरनेशनल अफेयर्स में। एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रही हैं और इस समय एक्सपर्टीज रखती हैं और रिसर्च कर रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम पहली चीज कि क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक नया डिसाइड नहीं हो पा रहा, इसके पीछे गेम क्या है? जी, पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने हमें इधर इनवाइट किया और ये चर्चा के लिए, ताकि काफ़ी दर्शक इन टॉपिक्स पे बात कर सके, हमसे जुड़ सके। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों को आपके शो के द्वारा कि जो पाकिस्तान है इट्स नॉट अ मोनोलिथ स्टेट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है आर्मी, जो है पाकिस्तान आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आपके जितने पॉलिटिकल एक्टर्स हैं स्टेट के, एंड ऑब्वियसली आई शुड से द प्रॉक्सी ग्रुप्स दैट आर रन विद इन द कंट्री। ये थोड़ी स्पेशलिटी है, पेक्यूलियर टिपिकल फीचर्स हैं ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट, जो अनलाइक है फ्रॉम अदर स्टेट्स। क्योंकि जैसे आप देखिए, इंडिया में हमारी सिविलियन पोलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में एवरीथिंग, चाहे इवन अ सिविलियन लीडर कम्स टू पावर, पाकिस्तान आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, चाहे फिर वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो। अब हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, क्वेश्चंस उठे हैं, मैं आपके क्वेश्चन तक आऊंगी, बिकॉज मैं पहले दर्शकों को एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी कि क्यों ये क्वेश्चन ड्रैग किया जा रहा है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, और शायद पोलिटिकल लीडरशिप इस पर डिसीजन भी नहीं ले पा रही है। सो आई गेट ऑन टू दैट। पाकिस्तान हाल फिलहाल में बहुत चर्चा ये हुई है कि सिविलियन लीडरशिप रूल कर रही है सिंस 2008, लेकिन इन स्पाइट ऑफ 2008 के बाद भी जो सिंस टाइम चल रहा है, जहाँ से सिविलियन लीडरशिप भी आना पावर में है, लेकिन नन ऑफ द लीडर्स हैव बीन एबल टू कंप्लीट अ टेन्योर इन पाकिस्तान। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको अपनी टेन्योर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है पाकिस्तान में, आपको आशीर्वाद चाहिए पाकिस्तानी आर्मी का। अब पास्ट में क्या हुआ है, हाल फिलहाल में जैसे इमरान खान जी थे, जब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी पंगे लेने चाहे हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ आर्मी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। काफ़ी रिमार्क्स भी दिए, काफ़ी उन्होंने अपनी छेड़खानियाँ शुरू की थी, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ इमरान खान, वेयर देयर वाज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन आर्मी एंड द सिविलियन लीडरशिप, दैट इज़ अ पार्टी ऑफ इमरान खान, जिसकी वजह से वो 3 साल तो ऑब्वियसली कम्प्लीट कर पाए, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड इन रिटर्न पाकिस्तान आर्मी अंडर जो हमारे जो उनके चीफ हैं बाजवा जी, उनके उन्होंने कोई एक्सप्लिसिट ऐसा कुछ नहीं किया कि वो रिस्पॉन्ड कर दे इमरान खान के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पाकिस्तान आर्मी ने ऐसी की हैं which shows that Pakistan Army still calls the shots, even जब इमरान खान जी पंगा ले रहे थे, जैसे ट्रांसफरिंग उनके बहुत फेमस और फेवरेट जनरल फैज अहमद फ्रॉम पेशावर टू आउटसाइड, या जो भी उनके फेवरेट्स रहे हैं, तो वो सब ट्रोलिंग भी हुई है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया है अपने तरीके से सिविलियन लीडरशिप को। अब मैं आती हूँ आज के दौर में, जब आपके पाकिस्तान में अब कोएलिशन है, कोएलिशन कह लीजिए, लीक टाइम चल रहा है जो पाकिस्तान पॉलिटी में कोलिशन ऑफ 12 पार्टीज, जो एक टाइम में हाल फिलहाल में एक ऑपोजिशन में रहती थी, और शरीफ जी की जो पार्टी, नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ की पार्टी है, इनकी तो एक हिस्ट्री रही है एक तरह से, आप देखिए आर्मी के साथ। आउट ऑफ द टोटल आर्मी चीफ्स दैट हैव बीन यू नो अपॉइंटेड इन पाकिस्तान, 5
कहते हैं लगभग अराउंड 5 नवाज शरीफ जी के एसोसिएशन में थी, टाइम में थी, लेकिन उसका भी हाल क्या हुआ हम सबको पता है, हिस्ट्री, वी हैव सीन हाउ थिंग्स हैव अनरैवल्ड इन पाकिस्तान अर्लियर। और आज के डेट में भी मैं देखूं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमें भूलना नहीं चाहिए, सिविलियन गवर्नमेंट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो यहां तक मेरा मानना है कि हर चीज, हर डिसीजन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त ले रही है, इनमें आपस में ही काफी डिफिकल्टी हो रही है डिस्कशंस एंड टू कम टू टर्म्स आल्सो, इसलिए हर डिसीजन को इतना टाइम लेते हैं। तो अगर तो आप तो पाकिस्तान आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, अब जैसे अब एड की बात चल रही थी, बांग्लादेश ने एड ऑफर की तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्लोबल इमेज। अब ये ग्लोबल इमेज कहाँ से आ रहा है? दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान आर्मी इज नॉट, इट्स वेरी अवर्स एंड ऑब्वियसली बिकॉज पॉलिटी इस वक्त इतनी फ्रजाइल है पाकिस्तान की। ठीक है, कह रहे हैं अगस्त तक खींच लेंगे, लेकिन फ्लड्स हो गए हैं, इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ये सारे फैक्टर्स बहुत डिफिकल्टी ला रहे हैं इस प्रेजेंट सिविलियन लीडरशिप के लिए। एंड पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि, और ना पाकिस्तानी कोई भी मिलिट्री रूल्ड कंट्री, अगर ज्यादातर जहाँ मिलिट्री भी एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है अनलाइक अ डेमोक्रेसी, जहाँ ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं दिस इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, दिस इज द टाइम वेयर पॉलिसी मेकर्स या अकेडमिया प्रिडिक्ट करते हैं कि हो सकता है आर्मी का रोल बढ़ जाए या आर्मी आ जाए, टेक ओवर कर जाए, बिकॉज पीपल लुक अप। देखिए इस वक्त आम आदमी के दिमाग में पाकिस्तान में ये नहीं है कि हमें ये सरकार चाहिए, हमें ये है वो, हमको उनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रहे हैं इस वक्त बिकॉज ऑफ फ्लड्स। उसके ऊपर अगर पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे आप ले लीजिए एड को लेकर, चाहे आप ले लीजिए बातचीत, नेबरहुड, ऑल ऑफ दैट, सो इस वक्त बहुत डिफिकल्ट हो गया है पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, गवर्नेंस पैरालिसिस हो गई है लिटरली उस कंट्री में अगर हम देखें। इस सारे कंडीशन में अब और एक मुद्दा जुड़ गया है पाकिस्तान आर्मी चीफ का, जो नेक्स्ट मंथ डिसाइड होना है, टेन्योर जिनका खत्म होगा बाजवा जी का। अब मैं अगर वैसे दर्शकों को बताना चाहूँ, जो कि एक नोन फैक्ट है, पाकिस्तान आर्मी चीफ हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, ही इज अ डी ज्यूरे डी फैक्टो कह सकते हैं रूलर, इवन इफ अ सिविलियन लीडरशिप इज इन कमांड, हर चीज should go down well with Pakistan establishment, nahi to it just the policy or the decision only fails. Ab aisi position mein kisko lana hai, kaun ho sakte hain? Ab ek baat to ye hai jo view aapne kaha ki unko ek tenure extension mil sakta hai third, lekin sunne mein ye aa raha hai ki Bajwa ji nahi interested hai, he wants to get done with his second, kyunki unka 2019 mein extend ho gaya tha 6-3 saal aur ke liye, तो उस हिसाब से ये बातें सुनने को आ रही है तो कि वो नहीं चाह रहे एक्सटेंशन, दे ही डजंट वांट। अच्छा, इन केस इफ ही डजंट वांट, देन चार पांच जो नेम्स सर्कुलेट हो रहे हैं, वन ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल जिनकी एक तो रहे हैं, उनकी काफी एक्सपीरियंस है पीओके में उस साइड ऑफ उनके कंट्री में, और आई वुड से जो अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, ऑब्वियसली द कंटेस्टेड टेरिटरी, कुछ जनरल्स उनके ऐसे हैं जिनके नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंस है इन सप्लाई चेन्स, जिनके एक्सपीरियंस हैं टू वेरी क्लोजली वर्क विद CIA, स्पेशली अफगानिस्तान का जब हुआ था वॉर ऑन टेरर, उस वक्त उनके कुछ लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने काम किया था। तो ये काफी ऑप्शंस और नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि और बहुत हैरानी की बात है कि अभी तक नाम एक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अब इसमें टू एड ऑन टू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, जस्ट कुछ दिन अभी लास्ट वीक की बात है, इमरान खान जी ने अपने कोई इंटरव्यू या किसी डिस्कशन में कहा था कि ही इज बैकिंग द एक्सटेंशन ऑफ द करंट पाकिस्तान आर्मी चीफ, जिसको अगेन उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया कि जी मैंने ऐसे नहीं बोला, क्योंकि क्वेश्चन हो गए थे कि यही आर्मी चीफ के साथ आपकी एक टाइम पे खटक रही थी, अब आप यहाँ आके बात कर रहे हैं कि जी इनकी एक्सटेंशन करनी चाहिए, वी नीड एन एक्सटेंशन फॉर दिस आर्मी चीफ। तो क्वेश्चन इज कि वो क्यों चाह रहे हैं कि यही रहें या फिर
कोई और ना, इन केस अगर उन्होंने ये सब बोला है. सो द पॉइंट इज उनको भी यही पता है, उनको भी यही समझ है कि इस वक्त डिसीजन ऑफ अ न्यू आर्मी चीफ इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ आई वुड से पाकिस्तान पॉलिटी, नॉट जस्ट पाकिस्तान्स आर्मी एस्टैब्लिशमेंट. बिकॉज मेरा मानना यह है कि जो आर्मी चीफ पाकिस्तान में आते हैं उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है पाकिस्तान की पॉलिटी को सर्वाइव करने का, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप हो चाहे वो नॉन सिविलियन लीडरशिप हो. इसीलिए इस वक्त ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आएगा कौन, क्या लॉयलिस्ट आएंगे. अब देखिए कोई भी पार्टी इन पावर होती है, अगर सिविलियन लीडरशिप भी रही है पाकिस्तान में या आती है, ऑब्वियसली सबके अपने लॉयलिस्ट रहते हैं पाकिस्तान के आर्मी में, टॉप ब्रास में. जैसे इमरान खान के वक्त भी वो ऐसे सुनने में आ रहा था उनकी पार्टी से कि उनकी भी लॉयल्टी थी तो, पाकिस्तान के टॉप ब्रास में. और अभी जो शहबाज शरीफ और कोएलिशन है इनकी भी अपनी लॉयल्टी, जो ऑफिसर्स हैं वो हैं पाकिस्तान के टॉप ब्रास पे. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये कोएलिशन इन पावर है जिनका टेस्टिंग टाइम होगा कुछ महीनों बाद, तो पॉइंट है कि ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि ऐसा नाम आए जो उनके लॉयल हो, पाकिस्तान आर्मी चीफ वो बने जो इस कोएलिशन गवर्नमेंट को फेवर करे. बिकॉज अभी केसेस चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान का जैसे केस चल रहा है फंडिंग का इन कोर्ट, हो सकता है कि उसका डिसीजन आ जाए, उसका क्या इम्पैक्ट बनता है उनकी पार्टी पे. तो ये सारे फैक्टर, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो पॉलिटी है इज डिटरमाइंड बाय द नेक्सस बिटवीन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी पाकिस्तान. पहले क्या होता था, पाकिस्तान की पॉलिटी वाज मेजरली डिटरमाइंड बाय नेक्सस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब इट्स बिकॉज पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी इज नेक्सस विद judiciary that calls the shot for Pakistan polity in general. Bhi main kahun, forget the Pakistan army decisions or security decisions, wo to hai hi, lekin polity bhi bahut majorly determine hoti hai is nexus se. To jo army chief banenge, that's very important ye coalition government ke liye ki unke favor mein koi ho, unka koi loyalist bane. Because agar in case agar Bajwa मिस्टर बाजवा नहीं बनते हैं, अगर उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अब आपके क्वेश्चन में और बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था कि लंदन गए हैं नवाज शरीफ से मिलने, जो आपने बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्टली उसको फ्रेम किया है. अब यही बात है कि क्वेश्चन लाइट इस पे आती है कि सरकार चल कहाँ रही है पाकिस्तान की, कौन से सिटी से, कौन से एरिया से. क्योंकि इवन जुलाई अगस्त में भी खबर आई थी कि पाकिस्तान की कैबिनेट पहुंची हुई थी नवाज शरीफ के साथ मिलने, टू टेक डिसीजंस, क्रूशियल डिसीजंस रिगार्डिंग इकोनॉमी. अब वो फिर गए हैं उस साइड टू टेक अप्रूवल और डिस्कस विथ हिम कि कौन बने नेक्स्ट आर्मी चीफ. ये अलग मुद्दा है क्योंकि ऑब्वियसली डी ज्यूरे तो आपके जो है ही लीडरशिप, लेकिन डिफैक्टो भी एक नवाज शरीफ जी की भी काफी इन्फ्लुएंस है इस वक्त गवर्नमेंट की टेक पे. तो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी तक इन्होंने, आपका क्वेश्चन को यही मैं आंसर कर सकती हूँ कि बिकॉज इतनी इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में इस वक्त, चाहे आप गवर्नेंस ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, चाहे वहाँ आम आदमी की जिंदगी अगर आप देखो, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें समझ आ रही है चीजें, बहुत बहुत दिक्कत, बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं उस साइड. एंड टू टॉप इट ऑल, ऑफ कोर्स आपके जो वहाँ फ्लड्स हुए हैं, दैट इज अफेक्टेड सो मेनी पीपल ओवर देयर. तो इस पूरे इसमें टू टेक अ कॉल ऑफ हूज गोइंग टू बी आर्मी चीफ हैज बिकम एक्सट्रीमली क्रूशियल. Which is why मेरा मानना ये, शायद इस वजह से इन सब फैक्टर्स को मिला के वो अभी तक ये डिसीजन ले नहीं पाए हैं, which is a very tough one for any leadership in Pakistan. तो देखते हैं अभी वो क्या, किस नतीजे पे आते हैं, किनको अपॉइंट करते हैं, what is how. देखिए नवंबर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी पाकिस्तान में. इट विल ऑल्सो डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट. जो आर्मी चीफ आते हैं,
वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि विथ एनी आर्मी चीफ कमिंग इन एंड आउट गोइंग इन दैट कंट्री ऑल्सो चेंजेस और डिसाइड्स कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, वो किस हिसाब से क्रूशल इशूज को डील करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे जो उनका एक ऑब्सेशन है इंडिया के साथ वो रेटोरिक ले लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट और मुद्दा जो चाहे फ्लड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा उनका कश्मीर है तो उस पर ले लीजिए. तो इट्स अ वेट एंड वॉच नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली साउथ एशिया, बिकॉज हमें भी बहुत मैटर करेगा कि वहाँ का आर्मी चीफ जो बनता है वो हमारे लिए, बिकॉज सिक्योरिटी पॉलिसीज, वी शेयर अ बॉर्डर, वी हैव सो मेनी ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड इश्यूज विद द कंट्री, और इस वक्त खास करके ऑल्सो बिकॉज हमारे जो बातचीत है वो इतनी हुई नहीं है काफी टाइम से और हो नहीं रही है. सो ऑल ऑफ दैट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रूशल है कि वहाँ का पाकिस्तान आर्मी चीफ कौन बनेंगे इन द कमिंग टाइम्स, एंड पॉलिटिकल ऑल्सो, एंड फॉर देयर ओन सिक्योरिटी पॉलिसीज, एंड ऑल्सो फॉर देयर ओन एक्सटर्नल रिलेशंस. मैम, क्या ये एक लॉयलिस्ट, एक आदमी जो कि लॉयल हो, वो लाना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो भी एक लॉयलिस्ट लाए थे और नवाज शरीफ भी एक लॉयलिस्ट लाए थे, तो उससे कुछ फर्क पड़ जाता है क्या मैम? जी, कोशिश तो यही रहती है, आपने बहुत सही कहा, इसलिए मैंने पहले ही ये पॉइंट थोड़ी सी क्लियर कर दी थी कि नवाज शरीफ के अंदर इनके चीफ्स बदले थे लेकिन हिस्ट्री कुछ और, उन्होंने अपॉइंट किए थे लेकिन हिस्ट्री कुछ और रिवील करती है. सो बट कोशिश हमेशा उनकी ये रहती है, नॉट जस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कोई भी अगर सिविलियन लीडरशिप उनके पार्टी में पावर में आए, दे विल ट्राई देयर बेस्ट. लॉयलिस्ट नहीं तो एटलीस्ट ऐसा कोई आए जो जहां वो सेम पेज पे हो, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान इज नॉट अ मोनोलिथ कंट्री, वहां कुछ भी कहो, इवन इफ दे फील दैट देयर अ डेमोक्रेसी और even if they have an experiment with democracy, still the army is very powerful in Pakistan. Pakistan army calls the shots. And jaise maine kaha ki ye sirf Pakistan army is not calling only the shots of, you know, within their military establishment. Wo polity decide karti hai, wo aapki security relations decide karti hai, wo ye bhi decide karti hai ki Pakistan ki leadership कौन से कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखे, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, चाहे फिर वो इस साइड इंडिया हो, चाहे वो लार्जर साउथ एशिया और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब. तो ऐसे इसमें एटलीस्ट कोशिश ये रहेगी कि वो अपने लॉयलिस्ट लाए, लेकिन हैविंग सेड दैट, लॉयलिस्ट लाना, सीइंग पाकिस्तान की जो हिस्ट्री, डज नॉट अश्योर कि वो लॉयलिस्ट ही रहे आपके फॉर एवर. इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज देखिए आइडियोलॉजी कहने कई बार यूज की जाती है, बट प्रैग्मेटिज्म प्लेज ओवर आइडियोलॉजी इन मेनी सिचुएशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आल्सो विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो अगर आपका सही रिलेशन हो, आपको लगे भी वो लॉयलिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखिए और अगर आप सिविलियन और आर्मी मिलिट्री रिलेशंस देखें, तो कभी भी वो ऐसी ट्रैजेक्टरी फॉर्म नहीं हुई है. इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन, देयर इज नो प्रेडिक्टेबल, there is no stable relation the both the apparatuses ever had, hamesha open niche chale. And dusri baat aapki agar loyalist pe main aau, to mere liye sabse bada question ye hai ki coalition government hai, 12 parties hain, usme se jo do parties hain ek time pe ek dusre ki opposition thi, वो कैसे एक नाम पे आ जाएंगे और उनके लिए सेम लॉयलिस्ट वर्क करना कैसे वर्क होगा, मतलब मेरा कंसर्न वो है. अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या है, सी ऑल दीस कोएलिशन पार्टीज जो अभी आई हैं पावर में, इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इनकी कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है कोई. द ओनली थिंग जो इनको बाइंड करती है इज एंटी इमरान खान फैक्टर. ठीक है, अगर इमरान खान ही फेड हो गए इवेंचुअली, मान लीजिए पॉलिटिकल सिनेरियो से, एंड आई जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, एंड मान लीजिए कि ऐसा कोई रूलिंग भी आ जाता है सपोज, जिससे उनको इम्पैक्ट हो जाए नेगेटिवली एंड हिज स्ट्रेंथ जस्ट गोज डाउन, देन माय क्वेश्चन कि ये कोएलिशन कैसे टिकेगी, किससे लड़ेंगे फिर ये, इनके मुद्दे तो कॉमन है नहीं, इनको कोई जोड़ नहीं सकता, इनका कोई ऐसा नहीं है कॉमन पॉइंट ऑफ एजेंडा, देयर ओनली फाइटिंग अगेंस्ट इमरान खान. जब तक इमरान खान है ये जुड़े हुए हैं, जैसे इमरान खान की पोजिशन वीक हुई
विल दे एक्चुअली, मतलब इनके पास क्या मुद्दे रहेंगे, बिकॉज एक टाइम पे इनकी पॉलिसीज भी बहुत अलग थी, दे केम ओनली फॉर टू वीकेन इमरान खान. अच्छा, ऐसे सिचुएशन में जब आपकी आपस में कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है या कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन योर थॉट्स, आपके जो लॉयलिस्ट रहेंगे उस पर भी मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मतलब अभी तो बात कर रहे हैं कि ठीक है हम जाएंगे लंदन में बात करेंगे एक लॉयलिस्ट को, हो सकता है अपॉइंट कर लें अगले महीने, लेकिन उनकी जब खुद की स्टेबिलिटी क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन मार्क है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग सब एक मिलकर एक नाम चूज करेंगे, वो बन गया. एंड यू नेवर नो विच वे द टाइड विल टर्न. लॉयल्टी किसको जाएगी, किस कैसे जाएगी, वो क्या लॉयल्टी किस बेसिस पे डिसाइड होगी, आई हैव नो आइडिया. मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से आता है, आई हैव माई डाउट्स. सो अगर वो ले भी आए किसी को, हो सकता है वो दो चांसेस हैं, या तो इट वर्क्स इन देयर फेवर और वो शायद अपना अगले साल तक भी खींच लें एंड देन इलेक्शंस आ जाएं. लेकिन ऐसा भी सीन हो सकता है कि अगर मान लीजिए इमरान खान वैसे ही अगर बहुत कम उनकी चली जाती है, अज्यूमिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाता है, आज है कल नहीं है, यू कैन नॉट अश्योर एनीथिंग, तो देन पार्टीज जो लॉयलिस्ट को लाएंगे किस बेसिस पे लाएंगे, हु इज दैट द न्यू नेम going to be a loyalist to Nawaz Sharif's party, I mean PMLN or PPP or any other party in the coalition, किसके साथ. अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि अगर हमने इन्होंने decide भी कर लिया कि ठीक है हम इन XYZ को ला रहे हैं as Pakistan Army Chief, who's a loyalist to overall the Pakistan Democratic Movement, पर लेकिन फिर भी उसमें भी कोई specific तो रहेंगे अपने, क्योंकि history है. और हिस्ट्री यही दिखाती है कि फॉर एग्जांपल जो पीएमएलएन है उनके साथ आर्मी के रिलेशंस ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पावर, कह सकते हैं जैसे द मूव, द हंगर फॉर पावर, द क्वेस्ट फॉर पावर हैज ऑलरेडी यू नो जो फ्रिक्शन लाई है सिविलियन और मिलिट्री रिलेशंस में. सो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको ऑब्वियसली ये आंसर होंगे इवेंचुअली ही, जब एक बार नाम और फाइनल हो और फिर पता लगेगा कि लॉयलिस्ट फैक्टर प्ले कर भी गया रोल या नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट. मैम, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल डायनेस्टी के लास्ट किंग थे. उनके ग्रैंडफादर शाह आलम थे, जिनके लिए बोला जाता था हुकूमत शाह आलम दिल्ली तक पालम, यानी कि दिल्ली से पालम तक हुकूमत चलती है उनकी. कुछ ऐसी हुकूमत चल रही है शाहबाज शरीफ की, एक टोल प्लाजा टू दूसरी टोल प्लाजा, बाकी कहीं पे भी उनकी गवर्नमेंट नहीं है. ऐसी पोजीशन में क्या आपको लगता है कि बाजवा साहब के जो लिए जो खबरें आ रही हैं कि इनको एक्सटेंशन दी जा सकती है मई तक, हालांकि वो डिनाई कर चुके हैं, आर्मी डिनाई कर चुकी है, लेकिन शाहबाज शरीफ ने अब तक डिनाई नहीं किया, क्या आपको लग रहा है कि ये एक्सटेंशन हो जाएगा, और एंड कितना आपको चांसेस लग रहे हैं जो नदीम अंजुम का नाम आ रहा है एसआई चीफ का, कि नेक्स्ट चीफ नदीम अंजुम को बनाने की प्लानिंग है, क्या इसमें आपको कितना कितना सच्चाई दिख रही है? देखिए, इस वक्त सब गेस वर्क है. यहाँ तक भी बहुत स्ट्रॉन्ग भी ये भी खबरें हैं कि शायद बाजवा, मिस्टर बाजवा चाहते ही नहीं एक्सटेंशन, लेकिन मैं सरप्राइज भी नहीं रहूंगी अगर उनको एक्सटेंशन उनको मिल भी गया, उन्होंने ले भी लिया, बिकॉज जिस हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, और जैसे आपने अभी बहुत सही एक मेटाफर यूज किया कि द क्वेश्चन ही यही उठ रहा है कि शहबाज शरीफ कितने इफेक्टिव हैं विद इन देयर ओन हिज ओन कंट्री, एंड टू टॉप इट ऑल इतनी सारी चीजें उस कंट्री में एक साथ आ गई हैं, एंड उस चीज में अगर एक जो अगर मैं हिस्ट्री देखूँ और जो ज्यादातर डायनामिक्स प्ले होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर द पाकिस्तान आर्मी कुड थिंक ऑफ एन एक्सटेंशन फॉर अ चीफ लाइक बाजवा. एंड यू नेवर नो, अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन हो, यू नेवर नो हाउ इट वर्क्स विद पाकिस्तान. देखिए, इंडिया क्या है, वी आर अ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम, तो यहाँ बहुत क्लियर लाइने डिविजन्स हैं एंड स्टेट्स और मशीनरी बहुत अपने फ्रेमवर्क में यहाँ काम करते हैं. पाकिस्तान में दैट इज वेरी ब्लर्ड, तो वहां ऐसा नहीं है कि सिविलियन लीडरशिप आज है और अगर मैं आपसे अगले महीने मिलूंगी, यू नेवर नो वहां कौन सी कू हो जाए, जस्ट इन केस सीइंग द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री.
सो अगर एक्सटेंशन भी मिल सकती है आई एम नॉट सरप्राइज एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये भी खबरें हैं कि बाजवा, मिस्टर बाजवा खुद नहीं चाहते एक्सटेंशन एंड ही माइट जस्ट वॉन्ट टू नॉट कंटिन्यू विथ हिज टेन्योर. एंड आई ऑल्सो सी दैट पॉसिबिलिटी बिकॉज इस वक्त एक नहीं बहुत मुद्दे हैं पाकिस्तान के प्लेट पर, कोई भी आए, चाहे फिर वो आर्मी चीफ हो, चाहे फिर वो सिविलियन लीडरशिप हो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक आफ्टर. इट्स नॉट अ मैं कहूँ सूटेबल टाइम, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. तो इस टाइम पे अगर लीडरशिप अपने प्रोज एंड कॉन्स वे करेगी ही बिकॉज दैट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविलियन पोलिटिकल लीडरशिप हो. एंड क्योंकि हम तो अभी सिर्फ एड की बातें कर रहे हैं, हम तो अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्लड्स हो रहे हैं, कितने सारे मतलब वहाँ ऑब्वियसली सफर कर रहे हैं लोग. इवन फॉर दर इकोनमी टू कम ऑन ट्रैक बहुत टाइम लगेगा, इट्स नॉट अ ईजी गेम. अभी तक उनको फंडिंग एड आने शुरू हुई है, बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान टू कम ऑन ट्रैक. तो क्वेश्चन ये है, मेरा मानना ये है कि बाजवा, मिस्टर बाजवा वुड लाइक टू टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड डील विथ इट, बिकॉज जो भी कहो पाकिस्तान आर्मी हैज अ से इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, चाहे फिर वो सिविलियन लीडरशिप ही हो. क्योंकि देखिए ना, आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कितना प्ले करती है पाकिस्तान आर्मी रोल. उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए अब हाल फिलहाल में, और आपने भी इस पर एक शो भी किया था अभी, कि जैसे उन्होंने एड मांगी जेनरस होके बांग्लादेश ने उनको एड ऑफर की इतनी सारी, लेकिन वो एड रिफ्यूज हुई, नॉट बिकॉज द सिविलियन लीडरशिप हैड एनी से इन दैट, पाकिस्तान आर्मी दैट डिडंट वांट द एड, क्योंकि वो बहुत इस बात को लेके बहुत ये है कि हमारी ग्लोबल इमेज इम्पैक्ट होगी या जो भी हिस्ट्री उनकी रही है एंड ऑब्वियसली द हिस्टोरिकल थिंग्स दैट हैव हैपेंड बिटवीन द टू कंट्रीज. तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी उस सिचुएशन में, क्या शहबाज शरीफ कुछ स्टैंड ले पाए? नहीं. अगर पाकिस्तान आर्मी इज एवर्स, इट इज एवर्स टू सम कंट्री फॉरेन पॉलिसी में, तो उसमें शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए एज इन इफेक्टिव एज ए सिविलियन लीडर. तो और एड इतनी जरूरी है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, बट पॉलिटिक्स प्रिवेल. तो ऐसे इसमें क्या बाजवा जी चाहेंगे, मिस्टर बाजवा चाहेंगे एक्सटेंशन? दैट इज हिज कॉल प्योरली. बट इसमें अगेन दो बातें हैं, एक तो बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि वो नहीं चाह रहे हैं बिकॉज ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त कंट्री के लिए. पहले पाकिस्तान की एक्सटर्नल चीजें होती थी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी फॉर एनी पाकिस्तान आर्मी चीफ. इस वक्त टू एड ऑन टू दैट उनकी डोमेस्टिक हालत ही बहुत खराब है, मतलब एंड नॉट सेइंग दैट फ्लड्स ले लीजिए, एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम कि सब कुछ एक साथ हो गया है उनके कंट्री में. उसके लिए जिसके लिए मतलब वहाँ का आम आदमी इतना दुखी है एंड दे आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, तो क्या वो रेडी हैं इस टाइप को लेने के लिए? बिकॉज सी इसमें गैम्बल है, अगर आप सक्सेसफुल हो गए ऐसे टाइम को ओवरकम करने में, यू आर गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री. नहीं हुए तो बहुत उल्टा असर पड़ेगा. सेकेंडली, अगर बाजवा सर नहीं होते हैं तो शहबाज शरीफ का भी पॉइंट ये कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज पे, एज इन टू कॉल इवन द शॉट्स. तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन मिस्टर बाजवा कि वो क्या चाहते हैं. डज ही वॉन्ट एन एक्सटेंशन, डज ही डजंट वॉन्ट? अगर वो एक्सटेंशन ले गए, द सेकेंड पॉसिबिलिटी, आई हैव माई डाउट्स फिर कि आई एम नॉट रियली श्योर कि वहाँ की सिविलियन लीडरशिप, एंड आई मीन आई मे बी रॉन्ग इन दैट, बट जिस हिसाब से हालत चल रही है, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ की सिविलियन लीडरशिप कितना स्टेबल रहेगी आगे इफ मिस्टर बाजवा कंटिन्यूज, बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन ओवर देयर इन द एस्टैब्लिशमेंट. ही उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड एक क्वालिटी अगर आपने मिस्टर बाजवा की देखी होगी, ही डजंट कम आउट ऑन मीडिया एंड गिव एनी स्टेटमेंट्स, ही हार्डली डज दैट. ही इज अ मैन ऑफ एक्शन. मतलब अगर इमरान खान ने इतनी सारी चीजें बोली हैं टू द एक्सटेंट दैट ही प्रोवोक्ड हिम थ्रू ट्रोल्स एंड ऑल, मिस्टर बाजवा नेवर, आई एटलीस्ट मेरी रिसर्च ये कहती है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए. ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही मेक श्योर वो ऐसा कुछ करेंगे जहां वो कट कर सकते हैं उनको पॉलिटिकली, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा बोला नहीं है. सो ऐसे फिगर्स जो होते हैं दे आर रियली पावरफुल, हिस्ट्री कहती है एटलीस्ट. सो दे वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट रिस्पॉन्स.
सो इन केस अगर मान लो इनको इन्होंने एक्सटेंशन ले ली, बाजवा जी अगर मिस्टर बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई या उन्होंने ले ली, आई हैव माई डाउट्स कि वहाँ सिविलियन लीडरशिप कितनी सर्वाइव करेगी या कितनी स्टेबल चलेगी, बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान की जो हालत है, जो इन्वायरमेंट है, द टाइम मे बी ऑल्सो हिस्ट्री शोज दैट कंट्री में, वैसे भी मैंने जैसे कहा कि वहाँ पोलिटिकल ट्रैजेक्टरी स्टेबिलिटी कभी ऐसी नहीं रही, इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन, यू नेवर नो वहाँ हुज एक्चुअली विल कम टू, वहाँ कोई एक्चुअली शॉट्स कौन कॉल करेगा, पता नहीं सिविलियन लीडरशिप का फिर फ्यूचर, आई एम नॉट वेरी श्योर अगर मिस्टर बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है. राइट, थैंक्स अ लॉट मैम. ये थी डॉक्टर आराधना तलवार जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और अभी बड़ी डिटेल में बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के क्या पोजीशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पॉलिटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, साथ में क्या पॉलिटिकल लीडरशिप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने जा रही है या एक नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, इस पर बात हुई. थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और डिस्कशन करेंगे. अभी के लिए मैम नमस्कार, जय हिंद. थैंक यू सो मच.